नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, छोटी छोटी बूटियों वाला ये खूबसूरत सा डिज़ाइन, जो बनाने में बहुत ही आसान है। और देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसे आप फुल स्वेटर में डालिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और डिज़ाइन के बीच में भी आप इसे डाल सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए आप इवन नंबर में कितने भी फंदे ले सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो। फिर हम ऐसे एक लूप लेंगे, देखिए हमारे दोनों सिरे ये हम ऐसे अंगूठे पे ऊन चढ़ाएंगे और इसके दोनों सिरों को सिलाई के अंदर ऐसे लाएंगे और फिर ऐसे खींचेंगे जिस जो सिरा खींचने पे बढ़ता ना हो। देखिए इधर खींचने पे ये बढ़ रहा है, यानी कि इधर से हमें बुनाई नहीं करनी है। जो सिरा खींचने पे बढ़ता ना हो उसे से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर इसको ऐसे खींच लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे, फिर ऐसे अंगूठे पे चढ़ाएंगे और दोनों सिरे को सिलाई के अंदर ऐसे लाएंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे उस सिरे से जो खींचने से बढ़ता ना हो। फिर दो फंदा सीधा, फिर से देखिए अंगूठा ऊन के नीचे लाएंगे और दोनों सिरे को सिलाई के नीचे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इस तरह खींच के देखेंगे जो सिरा खींचने पे बढ़ता ना हो उससे हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर इसको ऐसे खींच लेंगे, अगले दो फंदे सीधे। तो हमें पूरी लाइन में दो फंदा उल्टा बुनना है और दो फंदा सीधा बुनना है। लेकिन उल्टा बुनने से पहले एक लूप को सिलाई के अंदर से ऐसे निकालना है, उसके बाद उस सिरे से उल्टा बुनना है जिससे जो खींचने पे बढ़ता ना हो। फिर इसको ऐसे खींच देंगे, अगले दो फंदे सीधे, ऐसे एक लूप निकालेंगे, उसके बाद दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इसको ऐसे खींच लेंगे, अगले दो फंदे सीधे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। डिज़ाइन का थर्ड लाइन और सामने से। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद एक लूप ऐसे सिलाई के अंदर से ऐसे निकालेंगे और दो फंदा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद धागे को खींचेंगे, अगले दो फंदे सीधे, लूप निकालेंगे, सिलाई के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे उस सिरे से जो खींचने पे बढ़ता ना हो। फिर इसको खींच लेंगे, अगले दो फंदे सीधे। और इसी डिज़ाइन को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में चढ़ाएंगे और अगले दो फंदे सीधे। फिर से देखिए ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में ऐसे ले लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और अगले दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। ऊन को अपनी ओर किया, दो फंदा उल्टा, दोनों फंदों को बाएं सिलाई में वापस कर लिया, ऊन को दूसरी तरफ किया, दोनों फंदों को वापस दाहिनी सिलाई में लिया और अगले दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो इन दोनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके को अपना सकती हैं, रिजल्ट एक ही आएगा।
इस तरह से बुनने पे भी डिजाइन वही बनेगा। लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये डिजाइन एक ही लाइन का है और दो ही फंदों का, तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें दोहराना है। एक बार जिस फंदे पे डिजाइन बना है अगली बार उस फंदे पे डिजाइन नहीं बनेगा, वहां पे दो फंदे सीधे हो जाएंगे। तो डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत खूबसूरत। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। आगे से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, छोटी छोटी बूटी का एक सुंदर सा डिजाइन स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।